हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सरकार की बड़ी सौगात, पेंशन के लिए अब करना होगा इस बड़े नियम का पालन। तो किस बड़े नियम का पालन करना होगा, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉइज, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, डिफेंस, रेलवे, पोस्टल, सभी टाइप के कर्मचारियों के लिए हम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। चलिए आपको लेके चलते हैं उस न्यूज़ पर। बेसिकली न्यूज़ आ रही है उन पेंशनर्स के लिए जो आप देख सकते हैं डाकघर में अपनी पेंशन के लिए पेंशन डिसबर्समेंट के लिए जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, कोरोना के खतरे के बीच डाकघरों में पेंशन लेने वालों की भीड़ को कम करने के लिए डाक विभाग ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। पेंशन वितरण के लिए डाकघरों में अब OD1 नियम लागू कर दिया गया है, जिससे कि पेंशन लेने के लिए डाकघरों में सुबह से लगने वाली लंबी कतारों को कम किया जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लोग संक्रमण की चपेट में भी आने से बच सकें। अधिकारियों ने बताया कि यह नियम केवल कोरोना काल तक लागू रहेगा। उनके मुताबिक जिन खाताधारकों के खाते का अंतिम नंबर E1 है, उन्हें E1 नंबर वाली तारीख पर पेंशन दी जाएगी। वहीं जिन खाताधारकों के खाते का नंबर ऑड है, उन्हें पेंशन ऑड नंबर वाले तारीख पर वितरित की जाएगी। इससे डाकघर में अनावश्यक भीड़ कम होगी। इस नियम को उप डाकघरों पर भी लागू किया गया है, वहां भी इस प्रकार कर्मचारियों को पेंशन का वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि डाकघरों में आने वाले लोगों में कोरोना का संक्रमण फैलने के खतरे को कम किया जा सके। वहीं आगे आप देख सकते हैं, समाज कल्याण विभाग की ओर से 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। इसके अलावा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और बेसहारा बच्चों के लिए भी पेंशन देने की सरकारी योजना है। यह पेंशन सरकार की ओर से लाभार्थियों को डाकघर के जरिए ही वितरित की जाती है। प्रत्येक माह के अंत में पेंशन वितरण का सिलसिला डाकघरों में शुरू हो जाता है। महीने के अंतिम दिनों से अगले माह की शुरुआत के दिनों तक डाकघरों में पेंशन लेने वालों का तांता लगा रहता है। लाभार्थी सुबह से ही पेंशन लेने के लिए डाकघरों में लाइन में लगाकर खड़े हो जाते हैं। कोरोना काल में भी डाकघरों में पेंशन लेने वालों की कतारें अब भी देखी जा सकती हैं। आगे आप देख सकते हैं, टोकन के जरिए मिलेगा डाकघर में प्रवेश। महिलाओं व पुरुष खाताधारकों के लिए सदर बाजार के मुख्य डाकघर में अलग काउंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा मुख्य डाकघर सहित उप डाकघरों में भी टोकन व्यवस्था लागू की गई है। टोकन लेने के बाद ही लाभार्थियों को डाकघर में प्रवेश दिया जाता है। अब वहीं काउंटर पर भी टोकन नंबर के अनुसार ही लाभार्थियों का पेंशन का वितरण किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि डाकघर के अंदर भी काउंटर पर भीड़ न लगे, इसके लिए एक बार में 5 लोगों को अंदर जाने की अनुमति है। वह लोग अपनी पेंशन लेकर बाहर आते हैं, तभी अगले 5 लोगों को अंदर भेजा जाता है। इन दिनों में ले सकते हैं आपकी पेंशन जिन अभ्यर्थियों के खाते का नंबर अंक ऑड है, वह 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 व 29 को अपनी पेंशन ले सकते हैं। वहीं जिन खाताधारकों का खाते का अंतिम अंक इवन है, वह 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 व 30 को अपनी पेंशन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिन पेंशनर्स का जो पेंशन है अपने डाकघर में आती है, वो अब उस रूल का फॉलो करेंगे, OD1 रूल को फॉलो करेंगे। अगर उनका जो है दिन ऑड होगा तो पेंशन ऑड को दी मिलेगी, और उनका जो इवन होगा तो इवन को मिलेगी। तो इससे क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए कम से कम जो है लोग भीड़ लगा पाएंगे और अच्छे से सुविधा जो है अच्छे से अरेंज चीज़ें हो पाएंगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू so much।